मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ ओआर। इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन टू प्रॉब्लम्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स करके मते सेंड कर चंती, आउ किसी स्टूडेंट्स टिके भूलो भाल करके चंती। बाकी आई एडवाइज यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स करियो पे चेष्टा कर, अदरवाइज तमरो प्रॉब्लम रे पड़ीबो तुम माने। एटा सबटु इम्पोर्टेंट पार्टा आमको एटारे आमको करियक पड़ो। से दीटा भितर मु गोटे प्रॉब्लम टी कर दउचे। ओके, तो गोटे हला हमरो सेकंड बिटा जेड मिनिमम दिया है तला हमरो -7x1 -5x2 सब्जेक्ट टू -x1 -2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड 4x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 एंड x1 x2 0। दिस इज द क्वेश्चन। ना हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करवा। इथी हमें फर्स्ट रे चेंजिंग द कंस्ट्रेंट्स टू इक्वेशंस बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स। अच्छा, गोटे जिनस मुठी फर्स्ट इक्वेशन टा देख, -x1 -2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। मु कहि दिलि तमको जे डाहाण पट जो बी वाल टा अछि सेटा केबे नेगेटिव हबो नै। एबे हमरो डाहाण पटे -6 अछि, तको पॉजिटिव करियो पडिबो। ओके, सो हमें पॉजिटिव करिया पे कोन करिया, तो इथि माइनस टी गुणि दवा -x1 -2x2। तो ए साइन टा चेंज हो जे बोली कहिथिली माइनस ऑफ -6, इट बिकम्स x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो बर्तमान एटा इक्वेशन कौन हम x1 + 2x2 + s1 = 6। सेकेंड टा हमारा 4x1 + 3x2 + s2 = 12, वेर s1 and s2 आर स्लैक वेरिएबल्स, s1 s2 > 0। ओके, एटी देखो इम्पोर्टेंट जिनसटा हला, एटी हमर एटी डाण पटे माइनस जेहेतु थिला क्वेश्चन रे, ताकु प्रथमे आमे प्लस कले, प्लस करिया पे दिपटे माइनस मो गुणि देली। ओके, नेक्स्ट हमरो मिनिमाइजेशन जुटा अछि, ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा मिनिमाइजेशन रे अछि, तो ताको हमें चेंज करियो पड़ियो। ओके, राइट डाउन दिस वन, एतिके लिखि दियो गॉट इट। वर्तमान मु ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज करबी, सेकेंड पॉइंट चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम मिनिमाइजेशन फॉर्म टू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। सो जेड मैक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड मीन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7x1 5x2, देयरफॉर जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू केते आसे हमरो 7x1 + 5x2। ओके, आपको हमें टिके सजाई दबा 7x1 5x2 0s1
0 is 2, where x1, x2, s1, s2 all greater than equal to 0. ओके ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी सजा गला वर्तमान कौन करिया हमें एबे स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल नाउ एसएसटी स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल रे हमरा आसला बीबी CB, XB, X1, X2, S1, S2, MR. S1, S2, 0, 0, age, 18, MH, 7, 5, 2, 0, 6, 12. हमें देखी की पके हुआ 1, 4, 2, 3, ओके, देन, एट 1, एट 0, 1, बाकी काम आमर सहज वर्तमान आमे मैक्सिमम पिला जो माने करी चंती, सो माने प्राय ठीक कर चंती, सो वर्तमान एटा, z is equal to 0, डेल्टा j कितना हो एटा, 0, 0, minus 7, minus 5, 0, 0, सो इठी हिला आमर, इन एटा 6 by 1 एटा 12 by 4 obviously एटा हमरा की एलिमेंट हिला वांस यू हैव की एलिमेंट देन गो फॉर द बेसिस मैट्रिक्स ओके नाउ द बेसिस मैट्रिक्स It was 6, 12, 1, 4, 2, 3, 1, 0, 0, 1. So, first R2 by 4, 4, R2, 6, 1, 2, 1, 0. It is 3, 1, 3 by 4, 0, 1 by 4. It is 0 for you. It is our key element. Okay. So, first one, टेबल लिखेगली, व्हाट आई विल गेट, R1 माइनस R2 फॉर R1, एक रेटा फिर भी, सौर तीन गले तीन ही, एक गले सुना, टू माइनस, थ्री ए फोर, चार दुने आठ रो तीन गले, पांच बाय चारी, एक ओ, माइनस एक बाय चारी, इटा तो जेम सेम थी रहेगा, थ्री बाय फोर, जीरो, वन बाय फोर, बताने सेकंड टेबल को जीबा which may be our last table BB CB XB X1 X2 S1 S2 MR amar eta CJ 7500 acha pile dekho id replace hobo eta outgoing vector eta in entire x1 out ala s2 so s1 x1 एटी एस वन रो हमारा जीरो एक्स वन रो सेवेन एटी है ना थ्री थ्री जीरो वन फाइव बाय फोर थ्री बाय फोर वन जीरो माइनस वन बाय फोर बर्तन देखो जेड इज इक्वल टू 21 डेल्टा जे जीरो सेवेन वन जे सेवेन माइनस जीरो एटी जीरो सत्री इक्कीस एक वैसी बाई चारी माइनस पांच पांच सौ कोड़ी एक वैसी तो कोड़ी गले एक बाई चारी विच इज ए पॉजिटिव वन एटी नेगेटिव आसे रे चांस थिला एटा जदी पॉजिटिव आसे ला बाकी सब 0 0 0 7 बाय देखो हेई गला हमरो वर्तमान हमरो सब जक डेल जे देखो ग्रेटर देन 0 तो वर्तमान मो फाइनल आंसर लिखि देबी ऊपर डाल लिखो जी खाली बेसिस मैट्रिक्स तक गोटे घर कर लुक रही गला या परे सिंस ऑल डेल जे
greater than equal to 0, therefore we obtained the optimal solution to the LPP. Okay, so I'm ready. Z maximum, right? 21. Look at here. पिलाने देखो आमे एटा आंसर लिखुदुवा एटा एटा तो आमे निजे को कहू जे इतु देखी की सुन्न पड़िला एटा सात पड़िला एटा आंसर एक्स बी कॉलम टा आंसर तो एस1 केते एक्स1 इज 3 एक्स2 नाही देयरफॉर दुटा नाही सेटा को 0 नबो बोली कहिथिली दिस इज योर आंसर जेहेतु जेड मिनिमम देथिला देयरफॉर इट विल बी -21 ओके हमें माइनस गुणी थिले सिद्धमे फाइनल आंसर टा -21 ओके क्लियर बुझा पड़ीला तो हमें वर्तमान एटा सल्ला परे मु टू फेज मेथड आरंभ करथिली त डेफिनेशन भी देथिली कंप्लीटेड ओके नेक्स्ट टू फेज मेथड ओके नाउ वन थिंग यू शुड रिमेम्बर टू फेज मेथड इज आल्सो लाइक योर सिंप्लेक्स मेथड किंतु इते अधिका काम हो फेज 1 गोटे हो फेज 2 गोटे हो सेति पे इटा नारना टू फेज मेथड ठीकला फेज 1 रे हमरो किछि काम हो फेज 2 रे बाकी बड़का कामटा हो हमरो ओके सो व्हेन द एलपीपी हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू और इज इक्वल टू साइन we will apply this method two phase method okay so to first way ame kon kariba echi normal simplex ko jiba purbaru the basis matrix ta amaro dikhe problem asibo the basis matrix is not obtained as an identity matrix ite problem asijibo amra seit pe eta less than equal to dile jo ta kariba seta ame apply kar parieni okay therefore we introduce a new type of variable is called as artificial variable ओके नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल वेरिएबल डेफिनेशन टम लिखी दो छी ओके आर्टिफिशियल वेरिएबल ताला नाउ D
these variables are starting the feasible solution these variables are fictitious and cannot have any physical meaning. Okay, so as I grow kichi, I'm a physical meaning nai and fictitious value exactly empty kichi, nirdishta mulyo nai, so that I may taku apply kordekri. And konkariya aku, just phase one re, I may artificial variable ta daba, it is normally denoted by A1, A2, A3. Like this. Okay, to eta ame, ehulia koriya. So that amara, so it is the phase one artificial variable can be eliminated. Ame jo dita phase kariwa, phase one re artificial variable ta add kariwa, jemti normal simplex re koruche ta bhalia semti kariwa, tikke twist hobo. Phase one, whenever the artificial variable eliminated heijibo, phase two arambha hobo. Phase 2 exactly like your simplex method. Hila? Tartho got a problem jodi greater than equal to ki by is equal to sign deichi. Tike adhika kama hava. Phase 1 tare artificial variable add kariwa and bahar kariwa. Phase 2 re normal simplex method hava. To dita phase re aro solution ta hava. Okay. So artificial variable can be eliminated simplex as in the phase, it is the process of eliminating artificial variable is performed in phase 1 and in solution can be get in phase 2. Okay, so kemti add kariwa artificial variable kete bele add kariwa e sabu jako amaro whenever you have greater than equal to and is equal to sign thiba. So the less than equal to sign thiba as usual normal method re ame kar daba. Suppose you have example दे दूँ ची artificial variable का definition टा हमरो ऐसी पारे remember it these variables are fictitious and cannot has any physical meaning and it is denoted by it की okay so phase one रे there are two phases in phase one artificial variable will be added and eliminated and in phase 2 what will do our normal simplex method to be followed. Okay, so these are the two phases. Okay, phase one complete hela pore ame phase two ko jiba. Phase one complete kete bele hela ame jani pariba jete bele porjant amaro artificial variable nathibo. Okay, mu kala pore hi dhara padibo mu pota eta libei douchi. Now here it is given by Mr. Danzig. Okay, so it is amaro suppose you have 5x1 plus 2x2 greater than equal to 3, x1 plus x2 greater than equal to 2, 2x1 plus 5x2 is equal to 3h. Okay, so less than thile ame janiche s1 s2 ame use kar daba. एटा जेतु हमरो ग्रेटर देन अछि सेति में हम एठी कोन करबा आर्टिफिशियल वेरिएबल जस्ट एग्जांपल दो कि एटा क्वेश्चन नो तो कोन करबा 5x1 + 2x2 एति
सरप्लस वेरिएबल कहिथिली तुमको सरप्लस वेरिएबल दिया हबो माइनस कर हबो ओके सो दैट आमे आंसर टा कला बले इज इक्वल टू देई परिया ओके तो सेत पे इथि इज इक्वल टू के बाद ता से तो आमे आर्टिफिशियल फेज 1 पे इटा ओके 3 तो दिस इज द केस x1 plus x2 minus s2 आगुटे आर्टिफिशियल वेरिएबल दबा इफ दिस इज द केस टू x1 plus 5x2 जेतु इट ऑलरेडी इज इक्वल टू अछि तो हम कोई थी सरप्लस वेरिएबल दबा नै केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल दिया ओके ग्रेटर देन थिले सरप्लस वेरिएबल प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल हैला s1 s2 आर सरप्लस variables and a1 a2 a3 are artificial variables okay so amaro bartan bujha padi gala je kete bele kemti hobo bartan gote solution karibi phase 1 karibi phase 2 karibi but clearly to mane dekho बाकी सब काम सिंप्लेक्स मेथड बोलिया ही हबो हमरो ओके लिवे देली मु बेले बेले जो क्वेश्चन देथिबो सॉल्व इट बाय टू फेज मेथड कहि देथिबो बेले बेले सीधा सीधा दे देथिबो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दे देथिबो तो ऑटोमेटिकली से न कहिले भी हमको टू फेज मेथड रे ही करिया को पड़ियो ओके solve the problem by two phase method okay so z minimum is equal to x1 plus x2 subject to 2x1 plus x2 greater than equal to 7 and greater than equal to 4 and x1 plus 7x2 greater than equal to 7 x1 x2 greater than equal to 0 okay so before going to phase 1 amko jemti normal simplex re korthule ebe bi senti koriya ku padibo okay so first of all edita ku ame changing the in equations of the constraints to equation by using it is data variable as you got a surplus variable out a artificial variable surplus and artificial variables okay so it will be 2x1 इधर को माइनस नो प्लस x2 माइनस s1 प्लस a1 इज इक्वल टू 4 x1 प्लस 7x2 माइनस s2 प्लस a2 इज इक्वल टू 7 ओके नाउ s1 s2 a1 a2 ऑल दीज आर पॉजिटिव नंबर्स ओके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओके बुझा पड़ा बर्तन हमको गॉट इट राइट बर्तन हमें जेते वाले
एतिके लिखला परे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जीवा ऑब्जेक्टिव फंक्शन टाइप की जेड मिनिमम अछ तो हमको चेंज करियो पड़ियो चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म तो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म टा कौन थिला हमरो थिला एक्स वन मिनिमम टा थिला जेड मैक्स जेड मिनिमम इज इक्वल टू ओके इट बिकम्स माइनस ऑफ एक्स वन माइनस ऑफ एक्स टू ओके देन विल गो फॉर फेज वन फेज वन जीवा पूर्वर आम ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा को टिके सजे दबा देखो ए नॉर्मल नॉर्मल सिंप्लेक्स रे जा होची फेज वन रे सिंप्लेक्स हब नहीं फेज वन रे ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा जिते बेले नेबी टू फेज मेथड रे सेते बेले सबु जाक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यू जाक एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू जीरो नेबी केवल ए वन ए टू रो कोफिशिएंट जाक माइनस वन निहा ओके सो जेड मैक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स वन जीरो एक्स टू जीरो एस वन जीरो एस टू माइनस ए वन माइनस ए टू दिस इज ओनली फॉर फेज वन नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड नहीं नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड रे जेंती होतला सेंती ही हब एटा केवल फेज वन मेथड रे फेज वन कला बेले एटा हब आकु धरी करी आमे टेबल टे बतन तयारी करिवा ओके ए टेबल जेते बेले तयारी हब एटा हे गला बतन मु एटा हमकु दरकार सेइ पे मु एटा लिभौ नै फेज वन रिपीटेडली मु कहूची ए जो कामटा हला टू फेज मेथड रे ही हबो नॉर्मल मेथड रे तो आमे इडे पके थाते माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू जीरो एस वन जीरो एस टू जा किछि पड़ी न थाता फेज वन रे इटा पड़िबो बीबी सीबी एक्सबी एस वन एस टू ए वन ए टू देन इट इज जीरो एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू ए वन ए टू एम आर ओके सो नाउ व्हाट विल गेट हियर तरो सीजे जो आसीबो सो इट विल बी बेटर तमे ओके सो इटी ए वन ए टू रहिबो रिमेम्बर दिस वन स्लैक किबा सरप्लस वेरिएबल रहिबनि आर्टिफिशियल वेरिएबल एठी रहिबो एठी कोन रहिबो माइनस वन माइनस वन जेतु देखो एठी जीरो 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 माइनस वन माइनस वन दुटा कोफिशियंट अछि दिस इज ओनली फॉर फेज वन फेज वन रो कैरेक्टरिस्टिक्स टा मु कहूछ बटन एक्स वी फोर सेवेन बाकी वैल्यू जेम से पड़ो टू वन वन सेवेन देखो ये कौन अच्छी माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन ये वन जीरो जीरो वन देखो ये ए वन अच्छी ए टू ना ये ए टू अच्छी ए वन ना से वन जीरो जीरो वन ये माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन बर्तमान आम मल्टीप्लाई करी करी करिया जेड इज इक्वल टू माइनस इलेवेन एटी माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस सेवेन माइनस माइनस प्लस वन
0, 0, this is minus 1, minus of minus 1, that is 0, एटा मध्यो 0, तो एठी यहला आमरो, बड़ो वेल्यू टा minus 7, xb टा हाबो, ratio टा हाबो xb by x2, तो so, एठी केते हाबो, 4 by 1, 7 by 7, this is the key element, okay, this is the key element where you will have the problem, हैला, बुझा पड़ीला, इट हला phase 1 रो कामो, then हमें आपको continue करीवा, हमें the next class रे, आरो बाकी कामो अच्छी, मुँ एथू start करीवी, key element रो, बुझा पड़ीला ना, phase 1 टा हमरो सरी नी, phase 1 टा केते बड़े सरी भाओ, एथी जेते बड़े, एडिटा हटी भाओ, A2 हटी जी भाओ, ता जगरे x2 आसीबो तेंती आउ गोटे थरो कले a1 हटिबो ता जगरे x1 आसीबो ओके सो रिमेंबर फेज 1 जे मु करिछि फेज 2 टा आरो क्लास रे मु कंटिन्यू करबि ओके क्लियर बुझा पडिला एतिकी मु रखु छी टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास